हार मत मानना, अपनी सोच को बड़ी रखना, अपने हौसले बुलंद रखना और इंशाल्लाह एक न एक दिन अपनी मेहनत आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपको सोशल मीडिया से कट होना पड़ता है, अपने दोस्तों से कट होना पड़ता है, आपको पार्टीज हर एक चीज़ बंद करनी पड़ती है, सिर्फ फोकस देखना पड़ता है। एज 23 है और हाइट 5'9" है और वेट अराउंड 85। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज मेरे साथ एक ब्रदर मौजूद है, ये अमेचर ओलंपिया के इवेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रदर व्यूअर्स को ये बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं बहरीन में पैदा हुआ हूँ, वहीं पर बड़ा हुआ हूँ और रहता हूँ पाकिस्तान पेशावर कोहाट में। और ये बताएँ व्यूअर्स को कि आप कौन सी क्लास में और कौन सी कैटेगरी में खेल रही हैं। मैं मेन फिजिक कैटेगरी क्लास सी और मैं मेन फिजिक्स में खेल रहा हूँ। और आपका वेट कितना है, एज कितनी है और हाइट कितनी है। मेरी एज 23 है और हाइट 5'9" है और वेट अराउंड 85। और ये बताएं व्यूअर्स को कि डाइट प्लान क्या फॉलो करते हैं, इस टाइम की फिजिक डेवलप करने के लिए वो क्या डाइट खाएं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। एक्चुअली डाइट बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो बहुत अलग किस्म का होता है, यानी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली मैं एक साल से शुरू हूँ, 4 महीने पहले मैं थाईलैंड प्रो शो में कम्पीट किए थे, मैं 2nd प्लेस लाया था। तो उसके बाद मुझे अमेचर ओलंपिया का पता चला, तो मैंने बोला क्यों नहीं अपने मुल्क में एक अनदर शो खेल लेते हैं। तो मैं वहाँ से लेकर रमज़ान भी ब्रेक नहीं लिया, रमज़ान भी सेम डाइट सेम फूड सेम रूटीन। आपको सोशल मीडिया से कट होना पड़ता है, अपने दोस्तों से कट होना पड़ता है, आपको पार्टीज हर एक चीज़ बंद करनी पड़ती है, सिर्फ फोकस देखना पड़ता है और बस मेहनत करोगे इंशाल्लाह रंग अल्लाह लेके आएगा। एक और चीज़ व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आप कितने वाइट एग खाते हैं दिन में। वो डिपेंड करता है मेरा डाइट प्लान क्या है, लेकिन अभी तक अराउंड 20s तक पहुंचते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये सिर्फ वाइट एग खाते हैं, योल्क नहीं खाते, तो आपने योल्क नहीं खाने, अगर खाने भी हैं तो सिर्फ वाइट एग खानी है। वाटर आप पर डे कितना पीते हैं। पहले पर डे वाटर हम पीते थे 6 लीटर डेली, फिर आखिरी में वाटर रिड्यूस करना होता है, इसका एक अलग प्रोसीजर होता है, कम करना पड़ता है, फिर सोडियम डालना पड़ता है, सोडियम निकालना, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अभी फ़िलहाल बंद है पानी मुझ पर। अच्छा व्यूअर्स को आप ये बताएं कि सप्लीमेंट छोड़ के क्या सिर्फ नेचुरल डाइट से इस तरह की बॉडी बनाना पॉसिबल है। बॉडी बनाना पॉसिबल है, लेकिन स्टेज पर चढ़ना और इस तरह डेफिनेशन कड़वा सच है, लेकिन सॉरी नहीं। अच्छा ब्रदर, आप जाते जाते व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आपका गोल हो, कुछ भी हो, हार मत मानना, अपनी सोच को बड़ी रखना, अपने हौसले बुलंद रखना और इंशाल्लाह एक न एक दिन अपनी मेहनत आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ऐसा नहीं है कि आप करें एक साल और कुछ ना मिले आप साइड पे हट जाए, नहीं, ये सालों साल लगते हैं इसमें, एक दिन दो दिन का काम नहीं है। तो लगे रहो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, तो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। अच्छा व्यूअर्स, अपने ख्याल रखिएगा, स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।